जय हिंद इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप एनसीसी में गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर यानी जीसीआई एक सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट है एनसीसी में जीसीआईस कम अंडर एमओडी मींस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जी सी आईज सिविलन एम्प्लॉइज होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविलन एम्प्लॉयज इनका डिपार्टमेंट होता है एनसीसी मींस नेशनल कैडेट कोर केवल एनसीसी की गर्ल्स बटालियंस में ही इनकी पोस्टिंग होती है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पे स्ट्रक्चर ऑफ जी सी आईज जी सी आईज की पे पे लेवल फोर में आती है मतलब जो सिक्स पे कमीशन का पे मैट्रिक्स है उसमें इनकी पे लेवल फोर में आती है इनकी ग्रेड पे होती है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू एटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस फ़ॉर द पोस्ट ऑफ जी मतलब क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं जी बनने के लिए नंबर वन सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए नंबर टू एज होनी चाहिए ट्वेंटी टू ट्वेंटी फ़ाइव ईयर्स एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन चाहिए मिनिमम और एन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है जी बनने के लिए ड्यूटीज़ ऑफ अ जीसीआई जीसीआई की पहली इंपॉर्टेंट ड्यूटी है टू एस्कॉर्ट एनसीसी गर्ल कैडट्स फॉर आउटडोर कैंप्स, एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जब एनसीसी सी कैडेट्स किसी आउटडोर कैंप के लिए जाती हैं या किसी एडवेंचर या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जाती हैं तो जी उनको एस्कॉट करती है उनके साथ जाती हैं ट्रेनिंग के दौरान भी वो एनसी कैडेट्स के साथ रहती हैं जीसीआई की सेकंड इंपॉर्टेंट ड्यूटी है टू ट्रेन एनसीसी गर्ल कैडेट्स एनसीसी गर्ल कैडेट्स को ट्रेनिंग देना उन्हें ड्रिल वेपन ट्रेनिंग और तमाम एनसीसी के सब्जेक्ट्स पढ़ाना इसके अलावा जीसीआई एनसीसी ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी करती हैं जैसे स्टोर में क्या है क्या नहीं है इसकी देख करना जब कोई इवेंट होने वाला होता है फॉर एग्जांपल कोई सोशल सर्विस होने वाली होती है तो उसकी तैयारी करना और इसके अलावा कमांडिंग ऑफिसर जो भी ड्यूटी ऑफिस में देता है उसे करना जी सी आईज़ एन गर्ल कैडेट्स के इनलमेंट में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब इंस्टीट्यूशन्स में नए बच्चे इनल होते हैं तो जी सी आईज़ वहाँ जाकर कैडेट्स के सिलेक्शन में हेल्प करती हैं अब हम बात करेंगे जी सी आई एस की सिलेक्शन प्रोसेस की जी सी आई एस की सिलेक्शन एस एस सी करता है मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है जिसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं एस एस सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ में जो डिफरेंट पोस्ट्स होती हैं उनके लिए कर्मचारियों का चयन करता है इसकी वेबसाइट है एस एस सी डॉट एन आई सी डॉट इन जी सी आई इसकी जब पोस्ट निकलती हैं तो इसकी वेबसाइट में नोटिफिकेशन आता है वहीं पर जाकर आपने अप्लाई करना होता है आम तौर पर जी सी आई इसकी पोस्ट दो या तीन साल में एक बार निकलती है डिपेंडिंग ऑन वैकेंसीज़ कभी कभी ये एवरी ईयर भी निकल जाती है जब ज़्यादा वैकेंसीज़ क्रिएट होती हैं जो लेटेस्ट जी की जो वैकेंसीज निकली थी वो मार्च 2020 में निकली थी आपको टाइम टू टाइम एस की वेबसाइट में जाकर चेक करते रहना होगा ताकि अगर जे का नोटिफिकेशन निकले तो आपसे मिस ना हो जाए जी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एस की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा वहाँ एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा जिसमें आप अपनी डिटेल्स भरेंगे सबमिट करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो आपका यूज़र नेम होगा और एक पासवर्ड मिलेगा इससे आप एस की वेबसाइट में लॉग कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद आपने जी की पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा एक बार जब आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा आपने उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लेना है ये प्रिंट आउट आपने कहीं भेजना नहीं है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये फॉर्म अपने साथ लेके जाना होगा ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सभी कैंडिडेट्स का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप अपने सेंटर की चॉइस भी भरते हैं तो आपका जो सेंटर होगा उसमें आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा एडमिट कार्ड आपको एस की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है इसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और मल्टीपल चॉइसेस होती हैं अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है इसके कितने पार्ट्स होते हैं और कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है एग्जामिनेशन सिक्सटी मिनट्स का होता है और इसके फोर पार्ट्स होते हैं पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं टोटल क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव होते हैं मैगजिम मार्क्स फिफ्टी पार्ट बी जनरल अवेयरनेस मतलब जी के के क्वेश्चन आते हैं ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन होते हैं और ये भी फिफ्टी मार्क्स का होता है पार्ट सी होता है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब इसमें बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं अरिथमेटिक के इसमें भी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन होते हैं और फिफ्टी मार्क्स का होता है पार्ट डी इंग्लिश लैंग्वेज होता है जिसमें बेसिक इंग्लिश की लैंग्वेज चेक की जाती है ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन होते हैं और ये भी फिफ्टी मार्क्स का होता है हर गलत आंसर के लिए हाफ मार्क्स कट होता है नेगेटिव मार्किंग इसलिए जब आप श्योर sure हो तभी आप अपना आंसर भरिए तो का मत मारिए जो कैंडिडेट्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं उनके नाम की लिस्ट बनती है और ये लिस्ट एसएससी की वेबसाइट में अपलोडेड होती है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को स्क्रूटनी के लिए अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स एस को बाई पोस्ट भेजने होते हैं इन डॉक्यूमेंट्स में आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री एन का सी सर्टिफिकेट क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा शामिल है डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी के बाद एसएससी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा इसके लिए आपको अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम जो आपने फॉर्म का प्रिंटआउट लिया था वो लेकर जाना होगा इसके लिए आपको एसएससी के रीजनल सेंटर जाना होगा वो सेंटर जो आपने इनिशियली अप्लाई करने समय भरा था एक बार जब आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम पब्लिश होगा एसएससी की वेबसाइट में और आपकी पोस्टिंग आने पर आपको कॉल लेटर आएगा जी सी इसकी जब पोस्ट निकलती हैं तो वाइज निकलती हैं जैसे नॉर्थ सेक्टर साउथ सेक्टर ईस्ट सेक्टर वेस्ट सेक्टर एंड सेंट्रल सेक्टर तो अप्लाई करते समय आपने जो सेक्टर भरा था वहीं की किसी यूनिट में आपकी पोस्टिंग आएगी यूनिट ज्वाइन करने के बाद जी ने ओ ग्वालियर में तीन महीने का जी कोर्स करना होता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर जय हिंद